फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं हूँ चंचल तो फ्रेंड्स इससे पहले कि हम शुरू करें अगर आपने ये चैनल अभी अभी जुड़े हैं आप हमसे और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा तो फ्रेंड्स क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते बोलने में हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं इंग्लिश लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ऐसा भी होता है कि हमें इंग्लिश समझ तो आती है पर हमें बोलनी नहीं आती तो दोनों ही केसेस में हमको क्या करना है तो मैं पर्सनली आपको दो अप्रोच इसमें हम फॉलो करेंगे एक तो ये कि हम शुरू से जाके बेसिक से जाके ग्रामर से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रामर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करनी है और दूसरी अप्रोच ये है कि हम डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस की बोल बोल के प्रैक्टिस करें और मैं चाहूँगी कि आप ये दोनों ही अप्रोच फॉलो करें क्योंकि हमें बेस मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है और बेस के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो बच्चों के नर्सरी राइम्स होती हैं जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई एम श्योर वो बच्चों के साथ, साथ साथ सब बड़ों को भी आती है और बड़े उसको रटते नहीं हैं जब बच्चे सुनते हैं तो बड़ों के भी कानों में वो गूंजती रहती है वो भी सुनते रहते हैं होता क्या है फ्रेंड्स जब कोई चीज़ हम लूप में सुनते रहते हैं तो वो हमारे माइंड में एक, एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है जिससे कि वो चीज़ हमें अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है जो चीज़ बच्चों के साथ होती है वही हमारे साथ भी होती है जबकि बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हिंदी इंग्लिश किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है फिर भी उनको सब कुछ याद रहता है तो हमारे इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम जो भी सेंटेंसेस डेली में बोलते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करें उनको बार बार सुने साथ साथ में बोल के प्रैक्टिस करें ताकि जब हम डेली किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा फील ना हो कि हमें कुछ भी नहीं आता क्योंकि जब हम उन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो अपने आप ही हमारी जबान पे झड़ जाएंगे क्योंकि वो हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको क्या करना है आपको आज के वीडियो में जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनको मेरे साथ साथ बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है और आप अगर वीडियो में ऊपर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ऊपर थ्री डॉट्स होते हैं जिस जिसपे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा चार पांच ऑप्शन आएंगे जिनमें से आप प्लेबैक स्पीड पर क्लिक करके स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकें और साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकें तो बस बिना टाइम बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ अपना दिमाग इस्तेमाल करो यूज़ योर ब्रेन बहाने मत बनाओ डोंट मेक एक्सक्यूजेस मुझे घर छोड़ दो ड्रॉप मी होम मैं तुम्हारे साथ हूँ आई एम विद यू मुझे नहीं पता आई डोंट नो आगे क्या वॉट नेक्स्ट क्या करें वॉट टू डू क्या देखें वॉट टू सी मुझे जवाब चाहिए आई नीड आंसर क्या तुम जा रहे हो आर यू गोइंग मुझे दोनों पसंद है आई लाइक बोथ चिंता मत करो डोंट वरी यह तुम्हारे लिए है दिस इज़ फॉर यू कुत्ते को खाना खिला दो फीड द डॉग एज यू विश जैसी तुम्हारी मर्जी मैं वहाँ एक बार गया था आई वेंट there वंस वो बहुत तेज़ दौड़ता है ही runs वेरी फास्ट मैं दिल्ली से आ रही हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम डेली वो बहुत पतली है She is so skinny. वो बहुत मोटा है He is so fat. उसने मेरी कभी परवाह नहीं करी She never cared for me. लड़ाई मत करो डोंट फाइट झूठ मत कहो डोंट lie. आप मुझे गलत समझ रहे हैं यू आर टेकिंग मी wrong. आप कब आए When did you come? मुझे तुम पर विश्वास है आई बिलीव यू क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है डू यू बिलीव मी मुझे ऐसा नहीं लगता आई डोंट थिंक सो किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट कोई जरूरत नहीं है नो no नीड कुछ खास नहीं नथिंग स्पेशल मुझे दिखाओ शो मी एक बार और वंस मोर सुबह हो गई इट्स मोर्निंग ये सब क्या है वट इज ऑल दिस कोशिश करते रहो कीप ड्राॅंग मेरे साथ चलो कम विद मी तुम्हें क्या चाहिए वॉट डू यू वॉन्ट मुद्दे पर आओ कम टू द पॉइंट मैं भूतों से नहीं डरता आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट मैं कर सकता हूँ आई कैन अभी तक नहीं नॉट येट कुछ गड़बड़ है क्या इज समथिंग रॉन्ग मुझे अपना पैसा वापस चाहिए आई वॉन्ट माई मनी बैक फिर मिलते हैं मीट लेट्स मीट अगेन तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको सेंटेंसेस आई एम श्योर इसमें से ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो आप डेली सुनते हैं या फिर डेली बोलते हैं आपको बस ये करना है कि इस वीडियो के साथ साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करना है जी हाँ मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन है आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग इस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक ही महीने में आप देखेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए बस आपको क्या करना है आपको अपनी डेडिकेशन शो करनी है और आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और इस वीडियो को अगर आपको लगा है कुछ आपके काम आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग